कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, मतलब कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। कार्बन और इसके कंपाउंड्स में बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। और एटॉमिक नंबर को हम दिखाते हैं जेड से, ठीक है, और ये मास नंबर हो गया। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो प्रोटॉन भी इसमें 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा चूँकि ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, तो 12 में से 6 गया तो 6। तो ये कार्बन के बारे में हमें सूचना मिल गई। अब देखिए कि कार्बन को टेट्रावेलेंट कहा जाता है। वाई कार्बन इज नोन एज टेट्रावेलेंट? कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तभी तो इसको हम टेट्रावेलेंट कहेंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 4, तो 4 है चूँकि इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगा। कैसे वैलेंसी 4 होगा, अगर बाहरी सेल में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम वैसे ही उतार देते, अगर 4 से ज़्यादा रहेगा तो 8 में से घटा लेंगे। तो चूँकि बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए हम इसका वैलेंसी क्या लिखेंगे, 4। और 4 इसकी वैलेंसी है, सो इट इज़ नोन एज टेट्रावेलेंट। इसको हम टेट्रावेलेंट कहेंगे, मतलब वैलेंसी 4 हो गया। अब देखिए कि कार्बन जो है ना, कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन। कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ठीक है। कार्बन के पास क्षमता है कि कार्बन एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, एक लंबा चेन बना सकता है, जितना मर्जी उतना कार्बन जोड़ सकता है आपस में, है ना। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़े हो सकते हैं, इसी को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आपके मन में सवाल आएगा कि सर 10 कार्बन जुड़ेंगे आपस में, बिल्कुल, 100, 1 लाख, 1 करोड़, अरे भाई जितना करोड़ लेना है ले सकते हो, ठीक है। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो गया कार्बन एटम का, ठीक है। सल्फर वहीं देखिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता, ठीक है। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, 8 से ज़्यादा एटम आपस में जोड़ के नहीं रख सकता है। इससे कम में आइए तो फॉस्फोरस, इसमें 4 ही एटम आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन कई सारे कार्बन एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कार्बन का एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जब कोई सब्सटेंस एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? कार्बन के अपरूप, मतलब कार्बन किस किस रूपों में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे, है ना। कार्बन जो है हमको ग्रेफाइट के रूप में मिल जाता है, कार्बन से ही डायमंड बना होता है, डायमंड कार्बन का ही बना हुआ है। और तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, ये एकदम गेंद के तरह आकृति का होता है, मतलब फुटबॉल की तरह, इसमें 60 कार्बन होते हैं। तो ये तीनों जो है वो एलोट्रॉप्स हो गए कार्बन के। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो, मतलब इसमें दो चीज़ें, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो सब्सटेंस है जो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन से, ठीक है। अब इसके अलावा हाइड्रोकार्बन में कोई दूसरे एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं,
ठीक है, जैसे चेक करने के इसमें से कौन हाइड्रोकार्बन है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। CH4, हाँ सर इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद देखिए सर C6H12O6, क्या ये हाइड्रोकार्बन है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं, ये मैंने पहले बता दिया है, तो इसका मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये हाइड्रोकार्बन है, सर इसमें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो सर H2CO3 क्या हाइड्रोकार्बन होगा, सर ये एक अपवाद है, क्या है अपवाद मतलब एक्सेप्शन, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है लेकिन यह हाइड्रोकार्बन नहीं है, यह है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, ऑल दो इट इज़ मिनरल एसिड, वहाँ भी वो एक एक्सेप्शन है कि मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन ये कैसा मिनरल एसिड है जो कि वीक एसिड है, तो ये जो है हाइड्रोकार्बन नहीं है, बाकी कहीं भी अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा तो वो एक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब जैसे देखिए आप कहिएगा कि सर CH3CH2CH2CH2CHO ये क्या हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना, और साथ में ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब ये क्या है हाइड्रोकार्बन है। अब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, तो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हैं वो क्या है, तो दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम, जहाँ सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, उसको हम एल्केन कहते हैं, हिंदी में ऐसे लिख देते हैं अल्केन, है ना। और जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या है, वो बेसिकली एल्कीन है, ठीक है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो है एल्काइन, ठीक है, बस हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है एल्कीन एल्काइन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोकार्बन ही लिखते हैं, ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में लिखने में अंतर है बस, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि सैचुरेटेड कौन हुआ, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड कब है, जब कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखिए हम अगर बात करें जनरल फार्मूला का, तो जनरल फार्मूला हमको पता होना चाहिए, ऑल दो ये जनरल फार्मूला CBSE वाले को तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में बखूबी और बाकायदा क्वेश्चन होते हैं इससे। जैसे एल्केन कहें, ठीक है, एल्केन, तो एल्केन का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला को कहते हैं सामान्य सूत्र, ठीक है, तो सामान्य सूत्र जो है वो क्या होगा, CnH2n+2, एल्कीन
तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, मतलब जनरल फार्मूला है, वह है CnH2n। एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2 और एल्काइल। इसका सामान्य सूत्र क्या है, मतलब जनरल फार्मूला क्या है, तो CnH2n+1। सर इसमें आपने बता दिया एल्केन में कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें आपने नहीं बताया। देखिए यहाँ भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है लेकिन इसका एक बंधन खाली होगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल से हम लोग सीख लेंगे। अब कार्बन की संख्या जानना जरूरी है, कार्बन की संख्या अगर एक होती है तो इसको हम मेथ कहते हैं, हिंदी में भी मेथ लिखा जाता है। कार्बन की संख्या दो हो तो इसको हम ईथ कहते हैं और हिंदी में एथ लिखते हैं। कार्बन की संख्या अगर तीन हो तो इसको हम प्रॉप कहते हैं। कार्बन की संख्या चार हो तो ब्यूट। कार्बन की संख्या पांच हो तो पेंट। कार्बन की संख्या छह हो तो हेक्स। कार्बन की संख्या अगर सात हो तो इसको हम हेप्ट कहते हैं। कार्बन की संख्या आठ हो तो हम इसे ऑक्ट कहेंगे। कार्बन की संख्या नौ हो तो नॉन, और कार्बन की संख्या अगर दस हो तो इसको हम डेक कहते हैं। तो ये हो गए कार्बन की संख्याएं। वैसे आगे हो तो अंडेक, कार्बन की संख्या 11 हो तो उसको हम अंडेक कहेंगे। लेकिन देखिए प्रायः हमारा काम जो है ना, कार्बन की संख्या एक से लेके कार्बन की संख्या 10 तक में ही हमारा सारा काम हो जाता है। अब देखिए अगर हम नाम लिखें तो नाम से हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी लिख सकते हैं। इसको बखूबी नोट कर लें। अगर मान लीजिए हम एल्केन की बात करें, एल्केन में अगर हमको कोई दे दे कि भाई प्रोपेन बना के दिखाओ, प्रोपेन, तो प्रॉप में कितने कार्बन, तो प्रॉप में तीन कार्बन, कितने कार्बन होंगे, तीन, एक दो तीन। और एन है तो एन में हमने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड होगा, तो कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिए। कार्बन चार बंधन बनाता है, मतलब चार बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन का देखिए एक बॉन्ड हुआ ये, तो बाकी के भी तीन बॉन्ड बनाएंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक एक दो तीन और ये चार। इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन के पास दो बंधन है, एक आगे एक पीछे, मतलब दो बॉन्ड हैं, तो दो बॉन्ड और बनाएगा, तीन चार। इस कार्बन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये चार, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हिंदी में इसको कहेंगे संरचना सूत्र। और संघनित सूत्र मतलब कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है,
तो इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दिया हमने, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को आप दिखा भी सकते नहीं भी दिखा सकते। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं तो दो, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, तीन। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फार्मूला का मतलब संघनित सूत्र। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, कार्बन की संख्या टोटल संख्या गिनती कर लीजिए, यहाँ एक दो तीन, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, तीन दो पाँच तीन आठ, आठ हो गया। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम आणविक सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब आप भी लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड के नाम से उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको यहाँ याद रखना यही है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जो बॉन्ड है उसमें उपस्थित उसको छोड़ के बाकी सभी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए। तो देखिए, अगर हमको दे दिया जाए प्रोपेन लिखने के लिए, सॉरी प्रोपेन तो अभी हमने बनाया था, पेंटेन, पेंट, देखिए पेंट में कितने कार्बन होंगे, तो पेंट में बेसिकली पांच कार्बन होते, तो पांच कार्बन हमने खींच लिया। और एन है, एन में कौन से बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड। फिर से आप जान लीजिए कि जो N होगा उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चूँकि एल्केन है। जहाँ इन होगा, N में हिंदी में कैसे लिखेंगे, N, लेकिन आपको मिलेगा कैसे, ये एक आर और नौ लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, इन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से इन लिखा होता है, मतलब दीर्घिकार और नौ लिखा होगा। और वो जहाँ वाइन लिखा होगा वहाँ समझ लें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो हिंदी में आइन लिखा होता है। ठीक है, आकार जैसे पेंटाइन, ठीक है। तो यहाँ देखिए कार्बन जो है उसका एक एक बॉन्ड, चूँकि पेंट था तो पांच कार्बन हमने लिखा, और एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, दे दिया हमने सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में। अब इस कार्बन का देखिए, एक बॉन्ड है तो कार्बन चार बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड है तो यहाँ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। इसको भी पूरा कीजिए, एक दो तीन चार, इसका एक दो तीन चार, इस कार्बन का एक आगे बंधन है तो एक पीछे है, दो बॉन्ड हो गए, तीन चार। इस कार्बन का पीछे एक ही बॉन्ड है, दो, एक दो तीन चार, चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस फार्मूला की बात करें तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है तो तीन लिख दिया, सिंगल बॉन्ड। इसके साथ दो है तो दो लिख दिया। आप इसको घेरेंगे नहीं, ये समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं, सॉरी कितने हाइड्रोजन हैं, दो। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, तो दो। और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, तीन। तो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, हमने दिखा दिया। ये था स्ट्रक्चरल फार्मूला ऊपर वाला,
स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब संरचना सूत्र, ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला मतलब संघनित सूत्र। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, कार्बन देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन है तो C5। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 ये 3 है ठीक है तो 12। तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र। अगर हमें मीथेन दे दे, कहे मीथेन लिखने के लिए, तो मीथेन का संरचना सूत्र, संघनित सूत्र और आणविक सूत्र मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे। मीथेन मेथ में कितना कार्बन होता है, 1 कार्बन, एन में सिंगल बॉन्ड, तो चूंकि यहाँ पे दूसरा कार्बन है ही नहीं और कार्बन 4 बंधन बनाता है तो 4 के 4 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ठीक है, 1 हाइड्रोजन 2 3 और ये 4th हाइड्रोजन। अब इसका कंडेंस फार्मूला क्या हुआ, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है ठीक है, और यही इसका संघनित सूत्र मतलब कंडेंस फार्मूला और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 ही है ठीक है।